भाइयों बहनों, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी जीवन व्यवस्था में इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है और ज्यादातर इन लोगों को मजदूरी का पैसा, काम का पैसा या पगार नगद में दिया जाता है, कैश में सैलरी दी जाती है। और हमें पता है उसके कारण मजदूरों का शोषण भी होता है। 100 रुपये मिलने चाहिए तो 80 मिलते हैं, 80 मिलने चाहिए 50 मिलते हैं। और इंश्योरेंस जैसे हेल्थ सेक्टर के दृष्टि से अन्य कई सुविधाएं होती है, उससे वो वंचित रह जाते हैं। लेकिन अब कैशलेस पेमेंट हो रहा है, सीधा पैसा बैंक में जमा हो रहा है, एक प्रकार से इनफॉर्मल सेक्टर फॉर्मल में कन्वर्ट होता जा रहा है। शोषण बंद हो रहा है, कट देना पड़ता है तो वो कट भी अब बंद हो रहा है। और मजदूर को, कारीगर को, ऐसे गरीब व्यक्ति को पूरे पैसे मिलना संभव हुआ है। साथ साथ अन्य जो लाभ मिलते हैं वे लाभ का भी वो हकदार बन रहा है। हमारा देश तो सर्वाधिक युवाओं वाला देश है। टेक्नोलॉजी हमें सहज साध्य है। भारत जैसे देश ने तो इस क्षेत्र में सबसे आगे होना चाहिए। हमारे नौजवानों ने स्टार्टअप से काफी प्रगति की है। ये डिजिटल मूवमेंट एक सुनहरा अवसर है। हमारे नौजवान नए नए आइडियाज के साथ, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई नई पद्धति के साथ इस क्षेत्र को जितना बल दे सकते हैं देना चाहिए। लेकिन देश को काले धन से, भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के अभियान में पूरी ताकत से हमने जुड़ना चाहिए।